तीन है चाहिए, तीन चाहिए, तीन चाहिए, तीन नॉर्मल वर्जन। हाँ जी गाइस, तो ये है लग्जूरियस विकास डोम ट्रेन जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है और क्या देखिए जबरदस्त आर्ट। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अदान शोर ऑफ व्लॉग्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत टाइम बाद शूट हो रहा है, बहुत ज्यादा बिजी था मैं इन दिनों, मेरा एग्जाम्स थे, बाकी एडमिशन किया वो भी आपके आगे पता चली जाएगा। मैंने सोचा नहीं आज व्लॉग शूट करना पड़ेगा, एक महीने पहले शूट किया है बट आज आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाना पड़ेगा, बट ना मैं बहुत ही ज्यादा बीमार था, लग ही रहा होगा। तो फिलहाल मैं रेडी हो गया हूँ, 11:30 टाइम आया है और हम यहाँ से निकल रहे हैं अभी। तो आगे आपको पता चलेगा हम कहाँ जाने वाले, क्या एक्सप्लोर करने वाले, मजेदार होने वाला है। क्वालिटी भी बोलना कैसी आ रही है ब्लॉग की, नए फोन से शूट हो रहा है, तो लेट्स गो, निकलते हैं अभी फिलहाल। हाँ जी गाइस, तो फिलहाल हम पहुंच गए लाल चौक, तो यहाँ से जो हम गाड़ी लेने वाले, मैंने बाइक जो यहीं पे पार्क कर रखी है, तो अब हम यहाँ से गाड़ी लेने वाले और जाने वाले उस स्पेशल जगह जिसके बारे में बात कर रहा था जो कि आगे आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो आप कंटिन्यू देखिए, मेरे साथ नवीन भी वहाँ से आ रहे हैं और सालिक भी है मेरे साथ, लेट्स हैव फन। तो देखते हैं हम कैसा रहता है आगे का सफर, तो चलते हैं अभी। हाँ जी गाइस, तो फिलहाल हमें गाड़ी मिल गई है तो अभी हम जल्दी चलते हैं। गाइस, तो फिलहाल हम गाड़ी में चढ़ चुके हैं, तो जहाँ हम जा रहे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। नवीद भी पीछे से देख के झांक रहा है, हमारा पोपट हो गया था, हमें लगा था जो गाड़ी है यही जाने वाली है बट वो नहीं थी गाड़ी, वो इस्लामाबाद की। आज पहली बार चढ़ रहे हैं अदनान शोरूम व्लॉग्स, बहुत टाइम बाद, पता नहीं कितने साल हुआ चढ़ रहा हूँ मैं, बहुत टाइम बाद चढ़ रहा हूँ, तो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस है। ओके गाइस, तो पहुंच गए हम, कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे रेलवे स्टेशन। फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और आज का प्लान क्या होने वाला है, यहाँ पर जो है एक नई ट्रेन लॉन्च हुई है, लग्जरी ट्रेन, तो विकास डोम कुछ नाम है ना उसका, ऐसा ही नाम विकास डोम, तो वो ट्रेन लॉन्च हुई है तो हमने सोचा उसी को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है उसमें सफर। चुप करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पिछले 20 मिनट से हम चल रहे हैं और ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है, हमने गाड़ी वाले ने हमें वहां छोड़ा था और यहां से हम इतनी देर से हम ये झंडा देख रहे हैं, इंडिया झंडा देख रहे हैं और रोड देख रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी दूर है, पहले भी यही डिस्टेंस देखी थी, अभी भी यही डिस्टेंस, समझ ही नहीं आ रहा है। हम चलते हैं, पहले देखते हैं वो ट्रेन कितने बजे निकलने वाली है, बिकॉज हमारा प्लान बस उसी ट्रेन में जाने वाला। नवीन का पहला एक्सपीरियंस है, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, नहीं मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ बट व्लॉग में पहली बार दिखा रहा हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस में हमें मिल रही है लग्जरी ट्रेन, लग्जरी ट्रेन, इंशाल्लाह आगे आगे देखते हैं। वापस कितने बजे आएगी, अब वापस ही निकलेगी यहाँ से, यहाँ से एक ही बार दिन में, प्राइस क्या है इसका, देख रहे हो आप, ये है लग्जरी विकास डोम जो कि 1000 के पास है, बिल्कुल बजट के बाहर है हमारे, तो अब क्या प्लान है हमारा, क्या करें अब, 900 में तो हम नहीं जाने वाले लग्जरी ट्रेन में, बहुत ज़्यादा हमारे बजट के बाहर है, तो अभी हम सोच रहे जाए नॉर्मल ट्रेन में जाए, औकात वाली ट्रेन में जाए, औकात वाली नॉर्मल ट्रेन में जाए, चलो देखते हैं। औकात ट्रेन में, औकात गाइस, तो फाइनली हमने प्लान बनाया, अब हम जाने वाले हैं नॉर्मल ट्रेन में, बिकॉज इन बेचारों का जो है पहला ट्रिप होने वाला है ट्रेन ट्रिप, बिकॉज ये ट्रेन में इन्होंने सफ़र नहीं किया है, ट्रेन है, अब हम जाने वाले हैं नॉर्मल ट्रेन में जो कि अभी देखते हैं कितने बजे आने वाली है और बुक करते हैं टिकट, उसके बाद हम निकलते हैं। गाइस, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ से जो विस्टा डोम ट्रेन है वो सुबह जो है निकली है, लग्जरी ट्रेन सुबह के 9 बजे निकलती है यहाँ से और शाम को 4:30 बजे वहाँ से निकलती है फिर मानीहाल से यहाँ की तरफ वापस, तो वो हमें मिस होगी सुबह की ट्रेन। तो फिलहाल हमें पता चला था कि 900 टिकट है बट वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एसी में, एसी सेक्शन में बैठने के लिए 900 देने आपको
बट जो नॉर्मल है वहाँ पे आपको सिर्फ 45 ही देने हैं जो हम नॉर्मल ट्रेन में देते हैं। तो फिलहाल हमारा प्लान कुछ ऐसा है, हम यहाँ से जाने वाले हैं नौगाम नॉर्मल ट्रेन में, ये है उसकी टिकट्स 3। उसके बाद हम वहाँ से आने वाले हैं लग्जरी विदास्टा डोम ट्रेन में जो कि हमें वहाँ पे मिलेंगी बानीहाल में, तो वहाँ से हम उसमें आएंगे यहाँ तक। तो आपको दिखाएंगे ज़बरदस्त सफ़र कैसा रहने वाला है उस नई लग्जरियस ट्रेन में, पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल जो है मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी वहाँ से चल रहे हैं, वो देख सकते हैं आप, थोड़ा मैं जूम इन करके दिखाता हूँ वो है। तो फिलहाल जो है हमारा कुछ प्लान ऐसा ही है, तो हम यहाँ से निकलने वाले हैं 2:10 पे, हमारी ट्रेन होने वाली है नॉर्मल ट्रेन बानीहाल तक, तो वो 2:10 पे निकलेगी, वो अराउंड 3:45 पहुँचेगी बानीहाल, और फिर वहाँ से हम चलेंगे लग्जरी ट्रेन में यहाँ तक श्रीनगर तक, तो हमारा सफ़र हो जाएगा कंप्लीट। बट प्लान ये है कि आपको दिखाना है लग्जरी का सफ़र कैसे होने वाला है, कैसा ज़बरदस्त सफ़र होने वाला है वो आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का, सभी जो है वेट कर रहे हैं ट्रेन का, और मौसम भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, और बस यही है कुछ। गाइस तो अभी हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, बस 5 मिनट है ट्रेन आने में, फर्स्ट एक्सपीरियंस देखते हैं इन दोनों का कैसा रहता है फर्स्ट एक्सपीरियंस। हमारी खुशी है फाइनली 2:12 पे ट्रेन आ गई। देखो वो आ गई, धक्का मुक्की नहीं गाइस। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बानीहाल, और यहां से हम अब ट्रेन करेंगे, लग्जरी ट्रेन में जाएंगे और आपको दिखाएंगे वो वाला सफ़र कैसा रहने वाला है। तो हम देखते हैं अभी ट्रेन का जो है, भाई जल्द से जल्द टिकट बुक करनी है बिकॉज 4:15 पे वो निकलने वाली है, बिल्कुल हम 4 बजे पहुँचे। तो कैसा रहा पहला सफ़र, एक्सपीरियंस कैसा रहा? पर बहुत ही बोरिंग सफ़र था उसका, लेकिन बहुत ही नींद आई। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा सब नींद कर रहे थे, मैं हमारे बगैर, हम बस सबको देख रहे थे, बस हम सबको देख रहे थे, लिटरली सब सो रहे थे, हम देख रहे थे सबको। अब देखेंगे उस वाली ट्रेन में कैसा सफ़र रहने वाला है और वो अवेलेबल भी है कि नहीं। तो चल गाइस, तो फाइनली हमें दिख गई विस्टाडोम, आई डोंट नो पूरा नाम क्या है इसका सही नाम, बट यही है विस्टाडोम। बाहर से तो अच्छी दिख रही है, लेट्स एक्सपीरियंस कि अंदर से कैसी होने वाली है। विस्टाडोम, अरे यार किसी बंदे ने बोला 9:30 टिकट काउंटर। गाइस तो अभी हम पहुंचे हैं बानीहाल, और यहां पर हम जो है चाय वाय पियेंगे अच्छे से, उसके बाद हम यहां से निकलेंगे वापस श्रीनगर। और ये देखिए हमने ऑर्डर किया है चाय के साथ, चाय के साथ चाय के साथ हमने ऑमलेट ऑर्डर किया है, तो ये खा के हम निकलेंगे वापस श्रीनगर। गाइस तो अभी हम पहले टिकट लेने जा रहे हैं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, तो 4:50 पे ट्रेन निकलने वाली है, जल्दी चलते हैं। और 4:40 बज गए, तो फिलहाल हमने टिकट ले लिया और ये चढ़ने वाले हम विस्टाडोम में, कुछ ऐसा ही नाम है मुझे भूल जाता है, हाँ शायद विस्टाडोम ही है। लेट्स गो। हाँ जी गाइस, तो ये है लग्जूरियस विटास डोम ट्रेन जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है, और क्या देखिए ज़बरदस्त आर्ट इस पर बनाया गया है, और ये इसका कुछ एक्सटर्नल व्यू है। तो फिलहाल आप अंदर चलेंगे और अंदर का व्यू भी आपको दिखाएंगे, तो लेट्स गो अभी अंदर चलते हैं। गाइस तो फिलहाल ये है कुछ एंट्रेंस, ये है कुछ विस्टाडोम का इंटीरियर व्यू, देखिए कैसा लग रहा है। नहीं नहीं ये भी साफ सफाई अच्छे से की है। गाइस ये है कुछ न्यू विस्टाडोम ट्रेन
रही, बहुत ही ज़बरदस्त हुए। बट फिलहाल हम बैठे हैं इसमें, और जो लग्जरियस सेक्शन है जिसमें ओनली एसी वाले अलाउड है, जो एसी वाला सेक्शन है उसमें हमें अलाउड नहीं किया, तो फिलहाल हम इस वाले सेक्शन में आए। बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आज तो फिलहाल हमारा जो सफ़र है विस्टा डोम में वो जो है शुरू हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, बिकॉज़ जो हम पिछली ट्रेन में चढ़े थे ना वो बहुत ज़्यादा हिल रही थी, बट इस वाली ट्रेन में हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो और ये साफ भी है बहुत अंदर से, तो नई ट्रेन है, तो देखते हैं पूरा एक्सपीरियंस कैसा जाता है। हम अभी श्रीनगर पहुँच रहे हैं, तो देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं। अभी स्लो ही चल रही है बहुत, लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं हम श्रीनगर। फिलहाल जो है 5 बज चुके हैं, और ये है कुछ बाहर का व्यू जो आपको दिख रहा है, और ये देखिए भुक्खड़ लोग यहाँ पर खा रहे हैं। कैसा लग रहा है, फर्क लग रही है कुछ न्यू ट्रेन और इसमें? ये स्मूथ चल रहा है, ये चटका मेरी तरफ से आप। हम टनल में जा चुके हैं, घंटे से हम जो है इसी स्टेशन पे रुके हैं अनंतनाग में। बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं हम अब बोर हो गए बैठे में, है ना सानिक? ये देखिए नबी भी बेचारा बोर हो गया, शाम भी हो गई और हमें घर भी पहुंचना है। अभी हम वेट कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, और बाकी वेट ही कर सकते हैं। एक्सपीरियंस देखिए कैसा रहा हमारा नई ट्रेन का। वेट कर रहे हैं आधे घंटे से निकल ही नहीं रही है ट्रेन, एक भी स्टेशन पर रुकी है। अब कर भी सह सकते हैं, हमें वेट करना पड़ेगा। ओ निकल गई फाइनली आधे घंटे में ट्रेन निकल गई। Checking out of the train. साढ़े छः बज गए और हम अब पहुँच रहे हैं श्रीनगर स्टेशन। बस कोहरा ही कोहरा। मस्तानी। और यहाँ पर हम रात के 6:30 पहुँचे हैं नौगाम। अब हमें यहाँ से जल्दी गाड़ी ढूंढनी है और पहुँचना है श्रीनगर, मतलब अपने घर पहुँचना है। तो फिलहाल हम चलते हैं, बिकॉज लेट बहुत हो गया है। बाय बाय। हाँ जी गाइस, तो फाइनली हम पहुँच गए वापस घर। तो बहुत ही ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में जिसमें हम कुछ अच्छी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे अभी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले व्लॉग्स बनाने के लिए। तो ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।